being a mother, how difficult is it now for you to be on set? वेरी मच डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए आसानी ये है कि मेरी अम्मी मेरे साथ रहती हैं, यासिर की बहन हमारे साथ रहती हैं, तो कबीर के लिए उसकी नानी और फुप्पो दोनों घर पे हैं. सो आई थिंक आई हैव सच क्लोज फैमिली घर पे अपने बच्चे के लिए कि मैं सुकून में होती हूँ सेट पे, कि अगर माँ नहीं है तो नानी साथ ही है. और अपने ही घर पे, ये नहीं कि बच्चे को आपको कहीं छोड़ना पड़ता है, जो कि मैं अक्सर देखती हूँ कि औरतों के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है कि वो नानी के घर छोड़ रही होती हैं, डे केयर में छोड़ रही होती हैं. तो मेरे लिए बहुत आसानी है कि मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी अम्मी साथ रहती हैं और हमारे बच्चे को इतने मोहब्बत से देख रही होती हैं कि मैं बोलती हूँ शायद मैं भी इतना नहीं कर पाती. आई फाइंड इट वेरी इंस्पिरेशनल. मुझे लगता है कि जो घर पर भी जो मदर्स होंगी वो इस बात से बड़ा उनको इंस्पिरेशन मिलती होगी कि यार कि हेयर इज अ वुमन जो कि इतनी कम उम्र में एक तो माशाल्लाह अपने आप को इतना एक इस्टेब्लिश कर लिया एज अ हाउस होल्ड नेम, वन ऑफ द टॉप एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री. ऑन टॉप ऑफ दैट माशाल्लाह अ यंग मदर एंड स्टिल वर्किंग. यार आई वॉन्ट टू क्लैप ऑन दैट यार. बहुत इनकरेजिंग बात है ये. Thank बहुत अच्छी बात है. यू नो वी नीड रोल मॉडल्स लाइक यू इन द कंट्री. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. आई थिंक मेरे आसपास जितनी ख़वातीन हैं, जैसे यासिर के बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनकी वाइफ्स को देखती हूँ और जब मैं उनको देख रही होती हूँ कि समवन इज़ अ बैंकर, समवन इज़ अ हैज़ अ क्रिएटिव फील्ड डिज़ाइनर के तौर पे, जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार मुझे तो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा हुआ है, जहाँ पर मेरे पास बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं अपने आप को टाइम दे सकती हूँ और अपने करियर को फॉलो कर सकती हूँ बगैर किसी टेंशन के. वरना सबकी 24/7 जॉब्स हैं. जैसे मैं एज एन एक्टर हूँ, आई थिंक आई हैव लाइक अ 12-14 आवर वर्क डे, तो उसके बाद बस माइंड ऑफ, शूट से वापस आए, ख़त्म, अब फैमिली को टाइम दे रहे हैं. कभी मैं यासिर को देखती हूँ, ही हैज़ लाइक 24/7 जॉब एज अ डायरेक्टर. तो मैं बोलती हूँ मुझे तो अल्लाह ने फिर भी बहुत सारी नेमतें दी हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ उस चीज़. बिल्कुल सही बात है. आपकी ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट आपकी नज़र में ये है कि आप अदाकारा बन गई है ना? बन नहीं गई, मतलब ठीक है, कहीं कहीं पहुंच गए हैं, कहीं माशाल्लाह अपने आप को आपने मनवा लिया. चलो लेट्स पुट इट दिस वे, मेनी मोर टू कम. लेकिन पता है जब आप मुझसे पूछ रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आई थी वो ये आई थी कि ये एक्टर वाली चीज जो अचीवमेंट है ये मेरी है, लेकिन ये मेरी कुछ लाइक कबीर से पहले तक की थी. बट आई थिंक आफ्टर कबीर, नाउ दैट आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, मुझे लगता है मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और मैं मैनेज कर रही हूँ अपनी फैमिली लाइफ को और अपने काम की लाइफ को भी इक्वली पैरेलल लेके चल रही हूँ और बहुत अच्छे से लेके चल रही हूँ और मैनेज कर पा रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ इस चीज़ को. सो आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट किसी भी औरत के लिए कि वो अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम दे, उसको भी लेके चले. जैसे मुझे किसी ने पूछा कि यार अब तो आपका बच्चा भी हो गया, आपने काम भी शुरू कर दिया, तो आप तो सोती कब होंगे? मैंने कहा वो तो जब से मेरा बच्चा हुआ है मैं वैसे ही इतने इतने आवर्स पे मैंने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो अब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आई थिंक आई एम प्रीटी मच ओके कि जैसे अब पूरी रात, आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट नाइट विद कबीर, बट आई स्टिल हेयर लास्ट नाइट, यस, मतलब मैं और यासिर दोनों. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट नाइट, उसके बाद आई एम हेयर, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड माई स्टफ़ टू डू, फिर मैं यहाँ आई हूँ, तैयार हुई हूँ, शो कर रही हूँ. सो आई थिंक मैनेजिंग दिस, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बिल्कुल है, एंड आई एम श्योर सारे आपके फैंस ऑडियंस इस बात से एग्री करेंगी. इकरा, इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि बहुत बार हम सुनते हैं स्पेशली पर्टेनिंग टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के व्हेन वुमेन बिकम मदर्स और व्हेन दे गेट मैरिड, तो यार अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह की आना बंद हो जाती हैं. बट माशाल्लाह अगेन आपने अपने आप को इस तौर पे भी मनवा लिया है कि यू नो खुदा और मोहब्बत मोर देन अ बिलियन व्यूज़ माशाल्लाह लास्ट ईयर एंड स्टिल वर्किंग, स्टिल पार्ट ऑफ द ऑल द मेजर प्रोजेक्ट्स. तो वो जो एक वक्त था जब ये समझा जाता था, आपको लगता है वो ख़त्म हो गया कम्प्लीटली? मेरे ख्याल से तो हो चुका है, क्योंकि मुझसे पहले जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो हमारे सामने आयज़ा खान की है. मतलब शी इज़ अ मदर ऑफ टू, शी इज़ स्टिल वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस, वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड इन आर कंट्री. तो मैं तो हमेशा से उनको देखती हूँ, आई लुक अप टू हर, कि यार मतलब मैं तो अभी अभी बच्चा पैदा किया है, इनके तो दो बच्चे हैं माशाल्लाह से, और ये जितनी हमने उनके बारे में बातें सुनी है, दैट शी मैनेजेस अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को और अपने काम को, दोनों को, मतलब मैं बोलती हूँ इट्स अमेजिंग. तो मैं उनसे बड़ा सीखती हूँ. सो आई थिंक काफ़ी चेंज हो चुका है. काफ़ी चेंज हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है.